एक समय की बात है, एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर दूर के कुएं से पीने के लिए पानी लाता था। इसके लिए उसके पास दो मटके थे, जिसे वह एक डंडे के दोनों ओर बांधकर अपने कंधे पर उठाकर लेके जाया करता था। उसका एक मटका अच्छा था, लेकिन दूसरे मटके में एक छोटा सा छेद था, जिसके कारण उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। पहले वाले मटके को पूरा पानी लाने का घमंड था और वह दूसरे मटके को रोज ताने मारता था। वह कहता था कि तुम तो बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है, तुम्हारे कारण ही किसान का मेहनत बर्बाद हो जाती है, तुम कहीं गिरकर टूट क्यों नहीं जाते, तुम बिल्कुल बेकार हो। यह सुनकर दूसरा मटका उदास हो जाता। एक दिन वह रोने लगा। किसान ने जब उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? तो मटके ने जवाब दिया, मेरे अंदर एक छेद है जिसके कारण मेरा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, मेरे ही कारण आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, मेरी इस कमी के कारण भी आपने मुझे कभी दोष नहीं दिया, मैं अपनी इस कमी के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर किसान को बुरा लगा और उसने कहा, क्या तुम हमेशा अपने इस कमजोरी के बारे में सोचकर ही उदास रहते हो? क्या तुमने कभी हमारे पानी लाने वाले रास्ते को ध्यान से नहीं देखा? अगर ऐसा है तो कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी सब उदासी और सारा दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन किसान जब पानी लेने गया, तब लौटते समय उसने छेद वाले मटके से कहा, देखो रास्ते के किनारे कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। छेद वाला मटका पूरे रास्ते फूलों को ही देखता रहा और आनंद लेता रहा। जब किसान घर पहुंचा, तब मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर गया था। यह देखकर वह मटका फिर से उदास हो गया और रोने लगा। तब किसान ने उससे कहा, दोस्त तुम वापस क्यों रो रहे हो? तुमने ध्यान नहीं दिया क्या रास्ते में जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, वह केवल तुम्हारी तरफ ही थे, दूसरे मटके की तरफ एक भी फूल नहीं था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम में एक छेद है, इसलिए मैंने रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीच बो दिए। तुमने रोज आते समय उसे पानी दिया और आज पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण ही सुंदर फूलों से भरा हुआ है। लोग सुंदर रंग बिरंगे फूलों का आनंद ले रहे हैं, उनकी खुशबू ले रहे हैं। यदि तुम में छेद नहीं होता तो क्या ये संभव होता? तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो। किसी ने हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। यदि हम अपनी कमियों को केवल नेगेटिव वे में देखेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे और दुखी ही रहेंगे, पर यदि हम अपनी कमियों को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो शायद उसमें भी हमें कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई ज़रूर मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि उस छेद वाले मटके में किसान ने उसकी पॉजिटिविटी को दिखाया, उसमें उसकी कमजोरी को ही उसकी ताकत बनाया। तो फ्रेंड्स, हमें भी हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको लेके नहीं बैठना है, बल्कि उसको हमारी ताकत बना के हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।